आपका अपना प्यारा बचपना तो याद होगा ही याद कीजिए ज़रा मतलब कितने अच्छे थे वो दिन हर रोज़ एक नए खिलौने की तलाश होती थी और हम ये सोचते थे कि हर रोज़ एक नए खिलौने मुझे मिल जाए ये तो बात हो गई बचपने की लेकिन जब एक व्यक्ति एक इंसान की एज हो जाती है पचीस छब्बीस साल की तो उसका माइंड हमेशा इस चीज को तलाश करने में रहता है कि नया सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया जाए या फिर जो हमारा जमा अमाउंट है पहले से जमा पैसे है उसको ऐसी जगह पर कैसे निवेश किया जाए जहाँ पर वो पैसे भी हमें पैसे बना कर दे आखिर इन बातों से मैं साबित क्या करना चाहता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आने वाला है लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूँ और आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा आपने बचपन में कभी क्रिकेट तो खेला होगा या जवानी में क्रिकेट खेला होगा चलिए मानते हैं आपने नहीं खेला है लेकिन कभी ना कभी क्रिकेट देखा तो ज़रूर होगा क्या आपने कभी भी लाइफ में एक टीम ऐसी देखी हो जिसमें सब के सब बॉलर हो ऐसा नहीं हो सकता फिर बैटिंग कौन करेगा या फिर आपने ऐसी भी टीम नहीं देखी होगी जिस टीम में सिर्फ और सिर्फ बैटर ही हो तो फिर बॉलिंग कौन करेगा तो फिर फील्डिंग कौन करेगा तो कहने का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल टीम जो होती है उसकी ये पहचान होती है कि उस टीम में एक अच्छा बॉलर भी होगा कुछ अच्छे बैट्समैन भी होंगे तो सब चीज़ों को और सब लोगों को मिला एक टीम बनती है ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के मैदान में आपके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सीफाइड कर देता है तो आपको बातें समझ में आ गई कि आज की इस वीडियो में हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं आखिर कैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाइड कर देता है इसका क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अक्सर लोग जो नए होते हैं बिगनर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का फायदा क्या है बेनिफिट्स क्या है देखिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अगर आप नए हैं तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ही निवेश करना चाहिए इन सारी चीजों के ऊपर बात बात करेंगे और लास्ट में एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नए हैं या फिर आपको रिस्क लेने से डर लगता है और आपको ज्यादा रिटर्न भी चाहिए तो आपको वो बात हर हाल में सुननी चाहिए लेकिन उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहें तो वीडियो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं देख लीजिए ट्राई करके अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि पहले आप वीडियो को देखिए समझिए ताकि उस बात को समझने में आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरह आपको बातें समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सर अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड जो होते हैं ये किस तरह का फंड होता है और इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट होते हैं जो एसेट्स होते हैं इसके उसका इस्तेमाल उसका यूज़ कैसे किया जाता है देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड जो होता है उसमें आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है मतलब इन्वेस्टर के द्वारा जो रकम उसमें लगाया गया है जो एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का है उस एसेट को डाइवर्सीफाइड करके लगा या जाता है मतलब कुछ पैसे उसमें से जो है ना इक्विटी में लगा दिए जाते हैं कुछ गोल्ड में लगा दिए जाते हैं कुछ डेट में लगा दिए जाते हैं तो इस तरह जिस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और जिस फंड के एसेट को इन्वेस्ट किया जाता है उसे ही आप ये समझ सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड कहा जाता है तो आपके अपने पोर्टफोलियो को भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सीफाइड करके रखना चाहिए मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ फ़ंड ऐसा होना चाहिए जिसका एसेट्स गोल्ड में निवेश किया जाता हो कुछ फ़ंड ऐसे होना चाहिए जिसका एसेट्स इक्विटी में निवेश किया जाता हो और कुछ फ़ंड ऐसे भी होना चाहिए जिसका एसेट्स डेट फंड में निवेश किया जाता हो ऐसा इसलिए करना जरूरी होता है कि टाइम के साथ अलग अलग टाइम पीरियड के साथ अलग अलग कंडीशन में इसका बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं मानकर चलिए अगर कभी बाई द वे इक्विटी से आपका अच्छा रिटर्न नहीं आ पाता है तो गोल्ड से आपका अच्छा रिटर्न आ जाएगा जिसकी वजह से दोनों बैलेंस हो जाएगा अगर गोल्ड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया अगर इक्विटी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि डेट से आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे आपके पैसे बेनिफिट में ना आए आप प्रॉफिट में ना आए ऐसा चांस बहुत ही कम हो जाता है ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आप बेनिफिट्स में रहेंगे कहीं ना कहीं से आपका मैनेज होता रहेगा और आपका जो एसेट्स है आपके जो पैसे इन्वेस्ट है उस पर एक अच्छा रिटर्न टाइम के साथ बनकर आ सकता है और ऐसा मैं ऐसी हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि सबूत है मेरे पास इससे पहले सबूत है बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन इक्विटी मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है इक्विटी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लेकिन गोल्ड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है कभी गोरमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है उसके सामने इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है उसके सामने गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया है ऐसा देखने को मिला था अगर ये चीज़ें आपको मालूम नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब 2008 में फाइनेंशियल क्रैश आया था तो उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त इक्विटी मार्केट ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया था मतलब इक्विटी मार्केट से रिटर्न बहुत कम आया था न के बराबर में आया था और जो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया था उनका रिटर्न बहुत हाई देखने को मिला था बहुत हाई नहीं बल्कि डबल भी उनका रिटर्न मिला था और इसी तरह जब 2008 में क्रैशेस आया था जब उसका रिकवरी 2009 में हुआ था तो इंडियन इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर दिया हुआ था यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है गोल्ड और इक्विटी के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ तो उस साल में यानी 2009 में इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर को और इतना ही नहीं बल्कि कोविड नाइन्टीन के टाइम पर जब पूरी मार्केट क्रैश हो रही थी जब मार्केट में बहुत बुरा हाल था उस टाइम की बात है कि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ था वहीं पे अगर इक्विटी मार्केट का आप अगर जायजा लेते तो आपको मालूम पड़ता कि इक्विटी मार्केट का परफॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब था लेकिन गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था कोविड नाइनटीन की मैं बात कर रहा हूँ कोविड नाइनटीन के टाइम पे ऐसा हुआ था और यह चीज देखने को मिला था तो मैंने कई सारे सबूत आपको दिए हैं पिछली गुजरी हुई तारीखों के जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को क्यों डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए और क्यों आपको अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड जिसे हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं या कोई भी ऐसा फंड जो yeah. कैटेगरी में आते हो इस तरह के फंड और डाइवर्सिफाइडेड फंड आपको क्यों अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इसका पूरा बेनिफिट आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं तीन ऐसे रीजंस के बारे में जो पूरी तरह से इंडिकेट करते हैं कि आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करना चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो को फुल डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए रीजन नंबर वन डाइवर्सिफिकेशन पहला रीजन है कि आप क्यों इस फंड में निवेश करना चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में या आपको अपने पोर्टफोलियो को क्यों डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए अब डाइवर्सीफाइड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आपको एक एवरेज रिटर्न तो हर हाल में मिल ही जाना है अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्यों निवेश करना चाहिए आपने पोर्टफोलियो को क्यों डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए इसका दूसरा रीजन है रिस्क को रिड्यूस करना कि आपके पैसे अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं कहीं एक जगह से अच्छा रिटर्न नहीं आ पाया तो दूसरी जगह से अच्छा

तो ऐसे लोगों के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत ही बेटर फंड है क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ एसेट इक्विटी में निवेश किए जाते हैं टोटल निवेश नहीं किए जा रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत है थोड़ा सा अब निवेश किया जा रहा है कुछ ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड में आपने निवेश किया है और कितना एसेट उसका इक्विटी में निवेश किया जाएगा और कितना गोल्ड में निवेश किया जाएगा कितना डेट में निवेश किया जाएगा तो इन सारी चीज़ों और इन सारी जगहों पे आपके एसेट्स को निवेश कर दिया जाता है जिससे आपको न रिस्क है ज़्यादा अब दूसरी बात है कि आपका रिस्क तो रिड्यूस हो ही जाता है दूसरी बात रिटर्न भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह से अच्छे मिलने के यहाँ पर चांसेस हर हाल में ज़्यादा हो जाते हैं अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया हुआ था कि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको कहने वाला हूं तो देखिए वो बात मैं ये कहने वाला था कि अगर आप बिगनर हैं या फिर नए हैं या फिर अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है या फिर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए या फिर आपने बहुत सारे फंडों को एनालाइज किया है अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई किस फंड में निवेश करें किस में ना निवेश करें कहाँ पर निवेश करना ज्यादा सेफ रहेगा तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत ही बेस्ट है अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मैंने कह दिया है अब इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड होंगे कोई एक फंड मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं या सजेस्ट आपको नहीं कर रहा हूं अब इस कैटेगरी का जो भी फंड होगा उनके ऊपर आपका अपना रिसर्च होना ज़रूरी है क्योंकि पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं आपको तो सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड में आप निवेश कर दीजिए अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है अगर आप नए हैं अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है नए लोगों के लिए बिगनर्स के लिए या फिर रिस्क से डरने वालों के लिए तो अभी तक वीडियो में काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो फिर भी अगर कोई बात में अगर आपको डाउट हो कोई बातें समझ में ना आई हो तो वीडियो को आप रीप्ले करके देख सकते हैं या नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं वहां पर मैं कोशिश करूंगा बल्कि कोशिश नहीं हंड्रेड परसेंट मैं आपको रीप्ले करूंगा और सुन इज पॉसिबल जितनी जल्द हो सके मैं रिप्ले करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज तस्किन री साइनिंग Bye-bye.